कि हमारे और ऑफर दिया गया है, हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया है, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करेंगे और बाथरूम साफ करेंगे वो पहले जाएंगे। ये किसने कहा था आपसे? इंडियन एम्बेसी ने। इंडियन एम्बेसी ने आदाब नाजरीन, मैं फरहा जबीन बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आपने अभी भी जो वीडियो देखा, आपने क्या समझा? अगर कुछ नहीं समझा तो एक बार फिर इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में जो लड़की अपनी आपबीती सुना रही है, ज़रा इसको गौर से सुने प्लीज़। एक बार और इस वीडियो को देखें। और ऑफर दिया गया है, हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया है, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे वो पहले जाएंगे। ये किसने कहा था आपसे? इंडियन एम्बेसी ने। यकीनन अब आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है। जी नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा था कि हम इतने गिर जाएंगे कि हम अपनी बहन बेटियों के साथ इतना घटिया और ज़ालिमाना सलूक करेंगे, वो भी एक ऐसे वक्त में जबकि वो मुसीबत में फंसी हो। हमारे ही अपने अफसरान उन्हें इस शर्त पर इंडिया वापस लाने की बात कह रहे हैं कि जब वो बाथरूम की सफाई करेंगे। आपने वीडियो में बहुत वाज़े लफ्ज़ों में इस लड़की को कहते सुना होगा कि जब हम लोग इंडियन एम्बेसी पहुंचे तो हम लोगों से कहा गया कि हम पहले उन स्टूडेंट्स को इंडिया ले जाएंगे जो यहाँ टॉयलेट साफ करेगा। वो बच्ची बहुत साफ लफ्ज़ों में अपना दर्द बयान करते हुए कह रही है कि हम मजबूर थे, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए जब हमसे कहा गया कि जो टॉयलेट साफ करेगा पहले उसे इंडिया भेजा जाएगा, तो हम तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स थे, हम में से हर एक बाथरूम साफ करने के लिए उठ खड़ा हुआ। आखिर मरता क्या ना करता। नाज़रीन, ये कहानी उस लड़की की थी जो यूक्रेन से बचकर आने वालों में शामिल है और उसने ये बात एयरपोर्ट पर ही किसी को वीडियो इंटरव्यू देते हुए कही। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कल हमने यूक्रेन के सूमी शहर के एक वीडियो शेयर किया था जिसमें सूमी शहर के स्टेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 1000 से ज़ायद स्टूडेंट्स के फंसे होने की खबर थी और उन्हीं स्टूडेंट्स ने वो वीडियो बनाकर इंडिया के चैनलों को भेजा था, जिसमें उन्होंने बहुत ही गिड़गिड़ाकर बहुत बेबसी और परेशानी के आलम में इंडियन गवर्नमेंट से ये अपील की थी कि प्लीज़ हमें बचा लीजिए। वो वीडियो जिसमें जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। उस वीडियो में स्टूडेंट्स बहुत ही दर्द भरे अंदाज में अपनी मुसीबत सुना रहे हैं कि हमारे शहर पर लगातार हमले हो रहे हैं, हम लोग एक शेल्टर में पनाह लिए हुए हैं, हमारे पास ना तो खाने के लिए कुछ बचा है और ना ही पीने के लिए, हत्ता कि बिजली भी नहीं है और ना ही पीने के लिए पानी। पानी की सप्लाई बंद होने की वजह से बाथरूम और वॉशरूम तक में पानी नहीं है, हमें वॉशरूम जाना है लेकिन पानी ना होने की वजह से हम वॉशरूम तक नहीं जा सकते। एक और वीडियो सामने आई है जिसमें देखा गया है कि बाहर का दर्जा हरारत यानी तापमान -डिग्री है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। कुछ स्टूडेंट्स बर्फ़ जमा करके ला रहे हैं ताकि उसको पिघला कर पीने और वॉशरूम में इस्तेमाल करने के लायक बना सकें। स्टूडेंट्स की इस परेशानी को वो लोग क्या समझेंगे जो आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो एसी और कूलर की हवाओं में सुकून की सांस ले रहे हैं। इस परेशानी को वही समझ सकते हैं जिस पर ये बीत रही है। नाज़रीन कराम, कल ही हमारे लोकप्रिय पीएम मोदी साहब की बनारस की एक वीडियो खूब वायरल हुई जिसमें वो ढोलक बजाते नजर आ रहे हैं। वाह वाह, हमारे अपने बच्चे यूक्रेन में जिंदगी और मौत के बीच हैं, लेकिन हमारे नेताओं को और विश्व गुरु को ढिंडोरा पिटने वाले पीएम साहब को यूपी इलेक्शन की फिक्र सताई हुई है। सही बात है कि हमारे लिए सियासत और कुर्सी से बढ़कर कुछ नहीं है, हम अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए अपने प्यारों को कुर्बानी की भेंट चढ़ाने से भी नहीं चूकते। और आज यूक्रेन में हमारे प्यारे बच्चों के साथ जो भी हो रहा है, इसमें इलेक्शन का भी एक बहुत अहम किरदार है। अफसोस है ऐसे इलेक्शन और ऐसी सियासत पर जो हमारे अपनों को ही कुर्बान कर दे। नाज़रीन, मैं गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसल यूक्रेन में फंसे अपने हिंदुस्तानी बच्चों की परेशानियों और उनके मसाइल पर बोल रही हूँ, इसके लिए आवाज़ उठा रही हूँ, लेकिन अफसोस है कि हमारे नेताओं के पास इलेक्शन के अलावा दूसरी किसी चीज़ पर तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं है, तो वो कैसे यूक्रेन में फंसे अपने बच्चों पर तवज्जो देंगे? वो सिर्फ वहीं तवज्जो देंगे जहाँ उन्हें सियासी फ़ायदा नज़र आएगा। नाज़रीन, यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स की वापसी के सिलसिले में हुकूमत के आदाद व शुमार और आज़ादाना तौर पर मुख्तलिफ मीडिया और ख़ुद यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स की जानिब से बताए गए आदाद व शुमार में बहुत फ़र्क है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी भी 7000 से ज़ायद हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स या हिंदुस्तानी शहरी वहाँ फंसे हुए हैं जिन्हें लाने की तैयारी की जा रही है, जबकि यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा के मुताबिक जो महफूज मकामात पर थे अभी तक सिर्फ उन्हीं लोगों को रेस्क्यू किया गया। जो लोग जंग से मुतासर इलाकों में फंसे हुए हैं वो अभी तक मौत के साए में जी रहे हैं और उनका कोई हाल पूछने वाला नहीं है।
कुछ स्टूडेंट्स की वीडियो के मुताबिक एम्बेसी बिल्कुल भी अच्छा रोल अदा नहीं कर रही है। पहली बात तो ये है कि जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कोई जवाब नहीं देता है, और अगर जवाब देता भी है तो वो सारी जिम्मेदारी हमारे ही सर पर डाल देता है। आप लोग अपना इंतजाम करें, ऐसे ऐसे फला जगह पहुंच जाएं, और वहां से आप लोगों को बस या ट्रेन के जरिए रेस्क्यू कर लिया जाएगा। हालांकि असल यही इंतजाम इनको करना था, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डालकर खुद चैन की नींद सो रहे हैं। नाजरीन, यूक्रेन से मुख्तलिफ जराए से पहुंचने वाली वीडियोस को देखकर यही महसूस होता है कि हमारे नेताओं को अपने शहरियों और अपने स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब सिर्फ और सिर्फ सियासत से है। एक वीडियो ऐसी भी आई है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जहाज में बिठाने के बाद कोई शख्स जहाज में ही भारत माता की जय का नारा लगा रहा है। इसके जवाब में बच्चे भी भारत माता की जय जयकार कर देते हैं, लेकिन उसके फौरन बाद ही वो मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। कितनी बड़ी, सोचिए ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। भाई मोदी जी, अगर आप बच्चों को बचा रहे हैं तो आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि ये काम आपका है और ये आपका फर्ज है। आप देश के चौकीदार हैं, आपको ये काम करना ही होगा। इस पर जय जयकार लगवाने का मतलब कि आप खुद अपनी कहावत आपदा में अफसर में यानी मौके से फायदा उठाना चाहते हैं। और ये बात गंगा ऑपरेशन के नाम से ही वाजह है। यूपी इलेक्शन को सामने रखकर आपने इस ऑपरेशन का नाम भी गंगा रख दिया। वाह मोदी जी वाह। आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाता है ये कोई आपसे सीखे। और ऐसे भी अंधभक्तों की कमी नहीं है जो इस मौके पर यहाँ तक कह दिया है कि भगवान के बाद मोदी जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमें मरने से बचाए। क्या कहना। नाज़रीन कराम, मैंने दो दिन पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि हमारे बच्चे मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए यूक्रेन क्यों जाते हैं। मैंने पूरी तफसील के साथ बताया था कि पूरे मुल्क में मेडिकल कॉलेज और MBBS की सीटों के मुनासिब तादाद ना होने की वजह से और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भारी भरकम फीस होने की वजह से हमारे बच्चे यूक्रेन या इस जैसे मुमालिक में मेडिकल की तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। और हमारी इस बात की तस्दीक यूक्रेन में रूस के हमले में शहीद हो जाने वाले कर्नाटक के तालिब इल्म नवीन शेखर आपा के वालिद के बयान से भी होती है। मकतूल नवीन के वालिद ने बड़े दर्द के साथ बताया कि उनका बेटा नवीन बहुत ही जहीन और मेहनती तालिब इल्म था। उसने 10वीं में 94% और 12वीं में 98% नंबर हासिल किए थे, लेकिन इसके बावजूद उसे अपने मुल्क में सीट नहीं मिल सकी। उन्होंने बताया कि यहाँ सीट हासिल करने के लिए 1-2 करोड़ रुपए तक रिश्वत ली जाती है, तो भला हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। उन्होंने बताया कि इंडिया में जात पात और रिश्वत ने पूरे तालीमी निज़ाम के माहौल को बिगाड़ कर रख दिया है। जब चंद लाख रुपए में यूक्रेन में इतनी तालीम मिल जाती है तो फिर अपने मुल्क में करोड़ों रुपए खर्च करने का क्या मतलब है। बहरहाल इन तमाम वाकयात से एक सबसे अहम बात तो यह है कि सबसे पहले हमें पूरे तालीमी निज़ाम को सुधारना होगा। दूसरे, हमारे नेताओं को हर जगह और हर मौका पर सियासत करने से बाज आना होगा, और दूसरे मुमालिक की तरह अपने शहरियों की जानो माल की तहफ़ को पहली तरजीह देनी होगी। अभी भी वक्त है कि सियासत से ऊपर उठकर हमारी हुकूमत मेहनत करे और तवज्जो के साथ जितने लोग भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द अज जल्द अपने वतन वापस लाने की कोशिश करें। इस तरह की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल बसीरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए। हमारे चैनल बसीरत ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।